पिछले 3 दिन से रेसलर्स इंडिया के प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। कल विनेश जी ने भी काफ़ी एक बड़ा बयान दिया कि लड़की के तौर पे जन्म लेना है अब नहीं लगता है, कि लड़कियों के मन में एक दुविधा खड़ा कर रहा है। तो कैसे देखती हैं उनके इस बयान को आप? एक लड़की होने के नाते मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसने कितनी तकलीफ़ से ये बातें कही होंगी, क्योंकि वो जिस जगह से आती हैं, पहले तो अपने आप में ही समाज से लड़ना पड़ता है कि हमें आगे आना है, हमें देश के लिए कुछ कर गुजरना है। और जब वो पदक जीतने के लिए इस मैदान को चुनती है तो यहाँ मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, यौन शोषण से गुजरना पड़ता है। और जब एक देश के सामने उस देश की बेटी ये सवाल करे कि इस देश में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, तो इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। मैम, आज बृजभूषण सिंह जो WFI के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कहा है कि रेजिग्नेशन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कैसे देखती हैं आप उनके इस बयान को? मैं तो ये समझती हूँ कि उन्हें खिलाड़ियों के फ्यूचर से, खिलाड़ियों के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कुर्सी प्यारी है। और ये उन्होंने अपने बयान में दर्शा दिया है कि मुझे कुर्सी प्यारी है, खिलाड़ी जाएं भारत में। तो आपकी डिमांड्स? मेरी डिमांड्स वही हैं जो हमारे रेसलर्स कर रहे हैं, कि जो फेडरेशन है वो भंग होनी चाहिए, कार्यकारिणी जो पूरी है वो भंग होनी चाहिए, प्रदेश स्तर पे जितने भी प्रदेश स्तर पे अपनी है, और साथ में जो जांच है वो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी अगर वो पाए जाते हैं तो कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।